हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे। जितने लोगों ने आज फास्टिंग प्रेयर किया सुबह से लेकर शाम तक, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में बहुत सारी ब्लेसिंग देगा आज। परमेश्वर मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग फास्टिंग प्रेयर में शामिल हो रहे हैं बार बार, उनकी जिंदगियों में आशीष आएगी। मैं कह रहा हूँ इस फास्टिंग प्रेयर के बाद आपके जीवन में आशीषें आना स्टार्ट होंगी। बाइबल बोलती है कि बहुत सारे लोग जो हैं, जो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त हैं, जो किसी भी परिस्थिति में, जो कर्जे में, परेशानियों में, वो लोग कह रहे कि जब तक आशीष नहीं पाते, जब तक कह रहे कि वो लोग परमेश्वर के सामने विनतियां नहीं करते, प्रार्थना नहीं करते। लेकिन एक जगह परमेश्वर ने दानियल की किताब में भी बताया और यीशु मसीह ने भी बताया एक जगह पर कि यहाँ उसी समय बताया पवित्र आत्मा ने कि उपाय, कह रहा जो लोग उपाय ढूंढ रहे थे कि दुष्ट आत्माएं कैसे जाएंगी, कर्जे, गरीबी के शराब कैसे जाएंगे, ये बार बार जो नुकसान होते हैं, बार बार जो बंधन आते हैं, वो कैसे जाएंगे, तो उसी समय यीशु मसीह ने उनको कहा कि बिना प्रार्थना और बिना उपवास के कह रहा कि इसको, इस जाति को, कठोर जाति को कोई नहीं निकाल सकता। इसका मतलब कि वो दुष्ट जाति की बात कर रहा था, कि दुष्ट आत्माओं की बात कर रहा था। कह रहा कि वो जो जाति है, कह रहा कि वो ऐसे नहीं जाती, कह रहा सिर्फ वो प्रार्थना और उपवास से जाती है। मैं कह रहा हूँ आज समस्याएं, कह रहा कि वो कैसे नहीं जाने वाली, सिर्फ वो आपकी प्रार्थना से और उपवास से जाने वाली है। जब आप हमारे साथ मिलकर प्रार्थना उपवास करते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करता है। तो आइए हम सब प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर के इस समय, मेरे प्रभु जी, जो लोग हाथ उठाकर प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, जो हमारी टीम पवित्र आत्मा जी, मेरे पिता पास्टर टीम परमेश्वर, जो दुआ कर रही है परमेश्वर पूरे वर्ल्ड के लिए, और पवित्र आत्मा जी इसी समय मेरे पिता परमेश्वर, तेरी शांति को हम देखना चाहते हैं, तेरे अनुग्रह को हम देखना चाहते हैं, तेरी दया को लोगों के ऊपर देखना चाहते हैं। जो लोग परमेश्वर पवित्र आत्मा जी इस समय मेरे प्रभु जी तेरे कलाम में पवित्र आत्मा जी बढ़ रहे हैं परमेश्वर, इस समय पवित्र आत्मा इनकी जिंदगियों में आशीष को दे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता परमेश्वर ब्लेसिंग को स्वर्ग से उतार दे। पवित्र आत्मा मैं विनती करता हूं मेरे परमेश्वर, जो भी कोई जाने अनजाने में कोई गुनाह, कोई भी पवित्र आत्मा जी मेरे पिता परमेश्वर किसी भी व्यक्ति से मेरे प्रभु हो गए, और इस समय पवित्र आत्मा जी वो मेरे पिता तेरे चर्च में, तेरे ऑनलाइन चर्च में परमेश्वर बैठ कर इस समय ऑनलाइन पवित्र आत्मा जी प्रार्थना कर रहा है, और मेरे पिता इस समय फास्टिंग प्रेयर में शामिल है। पवित्र आत्मा इनकी आशीष से आज खुलने पाए यीशु मसीह के नाम में। इनके हर एक अपराध को तू क्षमा कर यीशु मसीह के नाम में। तेरे वचन में लिखा है तेरे पाप चाहे लाल रंग के क्यों ना हो, वो बर्फ के समान सफेद किए जाएंगे। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा जी, आज सच में जैसे मेरे पिता परमेश्वर इज़राइलियों ने जब तेरे सामने तोबा किया और पवित्र आत्मा तूने उन बच्चों के सच में अपराधों को क्षमा कर दिया पवित्र आत्मा जी, मिस्रियों के बीच में मेरे पिता इज़राइलियों ने बहुत गलतियां की, लेकिन परमेश्वर जब वो तेरे सामने उपवास के साथ रोते गिड़गिड़ाते हुए तेरे चरणों में आए परमेश्वर, और तूने उन्हें क्षमा कर दिया पवित्र आत्मा जी। मैं परमेश्वर आज प्रार्थना करता हूँ तू अपना दिल खोल दे परमेश्वर इन लोगों के लिए, तू अपना दिल खोल दे जो ऑनलाइन देख रहे हैं परमेश्वर, इनके घरों में आज से बरकतें आने पाए। तू पवित्र आत्मा ब्लेसिंग को दे परमेश्वर, आज हृदय की सच्चाई के साथ तेरी आराधना करें, हृदय की सच्चाई के साथ हम सेवकाई करें, हृदय की सच्चाई के साथ तेरी महिमा करें परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी तू समय परमेश्वर हृदय की सच्चाई से परमेश्वर आशीषों को दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देखता हूं ऐसे किसी का बिजनेस में ग्रोथ नहीं हो रहा, और इसी समय देख रहा हूं कि परमेश्वर आपके बिजनेस में ग्रोथ करेगा आपसे यीशु मसीह नासरी के नाम में, ग्रोथ करेगा यीशु मसीह नासरी के नाम में, और इसी समय परमेश्वर ब्लेसिंग को खोल रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं इसी समय परमेश्वर तेरे अनुग्रह को देखता हूँ। मैं देखता हूँ नीलम तेरे घर में जो बिजनेस, जो फैमिली में जो भी कोई कर रहा है परमेश्वर ग्रोथ कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूँ अंजलि जो तेरे पास बेटा नहीं है परमेश्वर तुझे बेटा देगा यीशु मसीह के नाम में। तो मुझे पूना से देखती है परमेश्वर ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं आता हूँ देख रहा हूँ कि इसी समय रीटा, मैं देखता हूँ कि हरियाणा से तू मुझे देख रही है परमेश्वर तेरा घर बनाने के लिए जा रहा है। मैं देख रहा हूँ कोई गोयल फैमिली, गुप्ता फैमिली, और आपके पास आप अभी अभी प्रभु में आए या विश्वास कर रहे हैं इसी समय, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके घर में कह रहा है जो प्रॉब्लम्स थी कहते हैं वो खत्म हो रही है आज से, और इसी समय परमेश्वर आपको 3 महीने के अंदर घर बनाने की सामर्थ देगा, आपके हाथों पर ताकत देगा। मैं कह रहा हूं कि आप अपना घर बनाने पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी मैं ब्लेस करता हूं इन लोगों को यीशु मसीह के नाम, और तेरे वचन में, तेरे कलाम में जब ये जाए परमेश्वर इनकी आशीषें खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। आइए हम सब प्रभु की महिमा करेंगे और परमेश्वर आपको छुए और बरकत दे यीशु मसीह के नाम में। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि हाँ परमेश्वर मेरी जिंदगी में चमत्कार करे, तो आइए हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। हम देखेंगे यशाया
हम उसका 58 का 9 और 11 हम पढ़ेंगे और पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। आज जितने लोग उपवास में हैं उन्हें मैं सलूट करता हूं मैं परमेश्वर की ओर से, कि जो लोग उपवास में हैं, क्योंकि बहुत सारे जो मोटे लोग होते हैं उनसे उपवास नहीं रखा जाता और बेचारे अशोक से भी नहीं रखा जाता, लेकिन अब ये रखना सीख गया है। और मैं कह रहा हूं जो लोग उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगी में चमत्कार करता है। और पर बाइबल बोलती है कि उपवास करने से आशीर्वाद मिलते हैं। देखो, अगर आज आपको आशीर्वाद चाहिए तो मैं फिर कह रहा हूँ आप इस फास्टिंग प्रे में अपने साथ मिराइकल होता देखेंगे। जैसे ही आप फास्टिंग प्रे करेंगे, मैं कह रहा हूँ दिन प्रतिदिन मिराइकल पर मिराइकल होते देखेंगे आप। परमेश्वर आशीष को देगा और इसी समय परमेश्वर ने ब्लेसिंग दिया भी। देखो, उपवास करने से आशीर्वाद मिलता है। हम बाइबल में पढ़ते देखो उपवास करने से क्या आशीर्वाद मिलता है। हाँ हाँ पढ़ेंगे। और तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखता। बोलो हालेलुया। देखो ये आशीर्वाद है 11 में यहाँ पर कह रहा है कि यहोवा तुझे लगातार लिए चलेगा, तेरे हर काम में तुझे आशीष देता चलेगा। और कह रहा है अकाल के समय में, कर्जे के समय में, बीमारी के समय में, प्रॉब्लम्स में, कह रहा है जब तू भूखा होगा, बिजनेस नहीं होगा, हो सकता है आज आपके पास जॉब ना हो, हो सकता है आपके पास बिजनेस ना हो, हो सकता है आपके पास फ्लैट ना हो, हो सकता है आपके पास कोई आशीष ना हो, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा है कि तेरी हड्डियों को हरी भरी करेगा। इसका मतलब एक गवाही आपकी हड्डियों में जान डाल देगी आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि ओ तेरी, कह रहा और इसी समय लिखा कि तू सींची हुई बारी और ऐसे सोते के समान होगा जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। इसका मतलब कह रहा है कि आपने जितना पैसा कमाया, बहुत सारे लोगों को टेंशन रहती है कि यार मैंने बिजनेस स्टार्ट तो कर लिया और इसी समय पता नहीं अगले दिन ग्राहक आएगा कि नहीं आएगा। कह रहा कि इस समय, कह रहा इसलिए वो लोग आइसक्रीम भी खाना पसंद नहीं करते बाहर मार्केट में, जो आदमी लोग होते हैं, कह रहा कि वो अपने बच्चों के लिए इतना जोड़ते हैं इंडिया के अंदर, वो कहते हैं कि नहीं नहीं, करे पता नहीं कपड़े वाला दुकान वाला है, अगर कोई बिजनेसमैन है, कोई किराने की दुकान वाला, तो वो बेचारा जोड़ता ही रहता है, वो सारा दिन जोड़ते रहता है। अगर वो कोई ढोल भी बजा रहा है या कोई काम कर रहा है, कोई ट्रैक्टर पे है, कोई किसी भी चीज में है, कोई किसी भी चीज का काम कर रहा है, लेकिन वो जोड़ता ही रहता है। और आपको पता है औरतें खाती रहती हैं, लेकिन आदमी बेचारा टेंशन में रहता है, उसको पता होता है कि भाई, कह रहा है कि अगर कल ग्राहक नहीं आया तो मेरा क्या होगा। मैं कह रहा हूं कि तेरा कालिया कुछ नहीं होगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। बाइबल बोलती है, कह रहा है कि तू उपवास करेगा तो कह रहा है कि तेरी हड्डियां तृप्त होंगी और कह रहा है कि तेरी बारी, कह रहा है तेरी बारी कोई चुरा नहीं पाएगा, कह रहा है जो तू सींचेगा वो तू ही, कह रहा है तेरी खेती में फल लगेंगे और कह रहा है कि जल कभी नहीं सूखेगा तेरा, कह रहा है जिसका जल कभी नहीं सूखेगा। इसका मतलब कह रहा है तेरा बिजनेस कभी नहीं सूखेगा, तेरी हड्डियां कभी नहीं सूखेंगी, कह रहा है कि तेरी मांसपेशियां कभी नहीं सूखेंगी। डोंट वेरी, कह रहा है तेरा बिजनेस सूखने नहीं देगा परमेश्वर। कह रहा है कि आज इस बात को समझना है आपको, कह रहा है जितने दिन आपके ठहराए गए हैं, जितने दिन आप इस धरती पर आशीर्वाद लेकर आए हो परमेश्वर से, बाइबल बताती है कि उपवास करने वाले को आशीर्वाद है। कह रहा है क्या आशीर्वाद है, कह रहा है कि लगातार उसे लिए चलेगा परमेश्वर। इसका मतलब कि वो लिए चलेगा आपको। दूसरा, कह रहा है कि अकाल के समय, कह रहा है कि आपके अगर किसी भी प्रॉब्लम्स है, कोई भी, मतलब अब तक कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही, तो परमेश्वर आपको हर समय में संभाल कर रखेगा और आशीषें देगा आपके लिए। और फिर बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जल वो कभी नहीं सूखेगा। इसका मतलब आपके दिमाग में जो कोई टेंशन चल रही है कि पता नहीं मेरा बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कोई तेरा बिजनेस सूखेगा नहीं, तेरी दुकान पर ग्राहक आएंगे, क्योंकि भजन संहिता में लिखा कि ग्राहकों को यहोवा भेजता है यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि तेरी दुकान पर ग्राहकों को भी यहोवा भेजता है। कह रहा है ग्राहक भी जो है ना आपकी दुकान पर यहोवा की ओर से आते हैं, परमेश्वर की ओर से आते हैं, और ये ब्लेसिंग होती है। कह रहा है इसका मतलब, कह रहा है ये आशीर्वाद आपके ऊपर उतरेंगे। जब हम 9 में भी पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है यशाया के 9 में, देखो इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और इसके क्लियर लिखा, तब तू पुकारेगा, कह रहा है लेकिन कब, जब तू उपवास में पुकारेगा। कह रहा है जब तू पुकारेगा और यहोवा तुझे उत्तर देगा। इसका मतलब क्या है, क्लियर है। कह रहा है ये 40 डेज जो फास्टिंग की प्रेयर है, मैं कह रहा हूं इसके बाद ही परमेश्वर एक बड़ा रास्ता खोलता है लोगों का। ये फास्टिंग प्रेयर करने के बाद, मैं कह रहा हूं आप कैसे भी गहरे काम में हो, कैसे भी प्रॉब्लम्स में हो, मैं आपको हिम्मत दे रहा हूं फास्टिंग प्रेयर के लिए कि हम रोज फास्टिंग प्रेयर करते हैं। देखो मुझे नींद आती है, मैं संडे से लेकर जाग रहा हूं और उसी समय मंडे भी मुझे करना है, लेकिन मुझे उसी समय फिर यहां पर आना, फिर प्रार्थना करनी है, कितना काम करना है, फिर मुझे बैठना है, लेकिन मुझे किस लिए, क्योंकि
क्योंकि ताकि परमेश्वर का काम करना, हम उसके नौकर हैं, हम उसके बच्चे हैं, हम उसके दास हैं, हमें जो वर्किंग मिला है हमें वो ईमानदारी से करना है आपके साथ, कि आप फास्टिंग प्रेयर करें और परमेश्वर आपकी जरूर सुनेगा। लेकिन आप चर्च में जा रहे हैं और आ रहे हैं, इसका कोई फायदा नहीं है, मतलब कि लेकिन जगह आप करें कि उपवास के साथ आएंगे और जाएंगे, मैं कह रहा हूं एक आशीष तो पक्का खुलेगी आज आपके यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं उनकी आशीषों को खोलते हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहे कि देखो, कह रहे यहां पर लिखा, जब तू पुकारेगा, इसका मतलब परमेश्वर को पता है आज आप उपवास में हो, आप उपवास में चल रहे हो, आज इतनी तारीख हो गई है, इतना डे चल रहा है। कह रहे कि आप जब तू पुकारेगा उपवास में, कह रहा यहोवा तुझे उत्तर देगा और तू दुहाई देगा और वह कहेगा मैं यहां हूं। आज लोग ढूंढ रहे हैं, कहते हैं कि तू कहां है परमेश्वर, परमेश्वर बात नहीं करता ऐसे। लेकिन जिस दिन आप फास्टिंग प्रेयर में बैठते हैं, परमेश्वर कह रहा है तू दुहाई देगा, वो कहेगा मैं यहां हूं। नहीं तो पहले, आपसे पहले जब आप कहते थे परमेश्वर तू कहां है, मेरा एक्सीडेंट हो गया, अरे परमेश्वर तू कहां है कि मेरे शरीर में कोई बीमारी होगी, हां परमेश्वर तू कहां है कि मेरा कर्जा हो गया, परमेश्वर मेरी नौकरी चली गई, मैं चर्च भी जाता था लेकिन तू कहां है, मैं कह रहा हूं ऐसा सवाल आपको करने का मौका नहीं देगा परमेश्वर। अगर आप कह रहे कि प्रार्थना और उपवास करते हैं, मैं कह रहा हूं अगर आप महीने में एक दिन उपवास करते हैं, हफ्ते में एक दिन उपवास करते हैं, लेकिन अब ये दिन उपवास के चल रहे हैं, ईस्टर आने वाला है, गुड फ्राइडे आने वाला है, कह रहा है कि जब आप उपवास करते हैं, इन उपवासों में परमेश्वर सुनता है। मैं कह रहा हूं अगर आप मेरे साथ इन उपवास प्रेयर में शामिल है, मैं कह रहा हूं कि हो सकता है, कह रहा है कि आपने किसी भी तरीके से भूख लगती है, कह रहा है अगर आप शुगर के पेशेंट है, किडनी के पेशेंट है, तो आप कोई भी, कह रहा है कि आप दाल का उपवास रख सकते हैं, खिचड़ी खिचड़ी का उपवास रख सकते हैं। मैं कह रहा हूं कि आप किसी भी तरीके का, इसका मतलब यह कह रहा है कि आपने उपवास में, कह रहा है आपको त्याग करना है, संसारिक चीजों का त्याग करना है, संसार की जो चीजें हैं, कह रहा है वो जो स्वादिष्ट चीजें हैं उनका त्याग करना है। इसलिए यहां पर कह रहा है जब उपवास करेगा तो आशीर्वाद दे रहा है, कह रहा है नौ में, जब तू पुकारेगा यहोवा उत्तर देगा, तू दुहाई देगा, कह रहा है वो कहेगा, तू पूछेगा मैं कहां हूं परमेश्वर, तू कहां है परमेश्वर, वो कह रहा है मैं कहूंगा मैं यहां हूं। हालेलुया, मतलब तेरे पास हूं, वो तुझे डेट बताएगा, टाइम बताएगा, एड्रेस बताएगा कि परमेश्वर कहां मिलेगा। दानियल को कहा मैं खड्डे में मिलूंगा और मिला वहां पर, मैं कह रहा हूं शद्रक मेशक को कहा मैं खड्डे में मिलूंगा और मिला उनको, और बाइबल बोलती है, कह रहा कि उसमें चौथा, कह रहा कि वहां पर ईश्वर के स्वरूप, कह रहा उसका लड़का, उसके पुत्र जैसा वहां पर दिखाई दे रहा था। इसका मतलब क्या है, कह रहा परमेश्वर ने पहले उपवास करने वालों को एड्रेस दे दिया है। आपको अगर उपवास करना है तो मैं कह रहा हूं कि ईमानदारी के साथ करना, परमेश्वर आज रात आपके लिए रास्ता बड़ा खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन इसलिए उपवास के अंदर समझाया जाता है, बहुत सारे लोग उपवास रखते हैं लेकिन वो समझ नहीं पाते। कई बार हम पढ़ते यशायाह 58:4, कुछ गलतियां कराता है शैतान लोगों से कि ताकि आपका उपवास पूरा ना हो। अगर बच्चा 3 दिन रोटी ना खाए तो मैं कह रहा हूं कि उसी समय उसकी मां जो है, कह रहे उसका दिल पिघल जाता है, बाप का दिल पिघल जाता है। लेकिन शैतान को भी मालूम है, कह रहा है कि अगर इनका उपवास पूरा हो गया तो ये जो मांग रहे हैं इन्हें मिल जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। इसलिए वो चिढ़ा हुआ है, इसलिए वो कहता है कि उपवास पूरे नहीं होने चाहिए। इसलिए मैं आपके साथ हर दिन बैठता हूं, हर शाम को बैठता हूं कि ताकि आप कल फिर, अब रात को मैंने क्यों बता रहा हूं आपको टीचिंग करके, प्रार्थना करके, ताकि शैतान के वार आपके ऊपर चलने ना पाए, क्योंकि सवेरे उठे आप फ्रेश हो यीशु मसीह के नाम में उपवास रखने के लिए। क्योंकि शैतान आपको रात को ऐसी कोई काम डाल देगा, ऐसी कोई चीज डाल देगा, उपवास नहीं कर पाएंगे, ये पूरे नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस समय मैं इसलिए आपके साथ बैठा हूं कि ताकि आप 40 डेज जब उपवास करें तो पूरे वर्ल्ड में आपके घर में आशीष में, आप सबसे पहले आपके घर आए यीशु मसीह के नाम में, आपकी ब्लेसिंग आए यीशु मसीह के नाम में। तो हम यहां पर देखते हैं, कह रहे हैं कि किस तरीके से कुछ गलतियां कराता है और उस गलतियों में आपको सावधान रहना है। हां हां, देखो लिखा, सुनो तुम्हारे उपवास का फल यह होता है कि तुम आपस में लड़ते और झगड़ते और दुष्टता से घूसे मारते हो एक दूसरे को। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, कह रहा उससे तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जाती। इसका मतलब क्या है, कह रहा आपने उपवास किया और उपवास में आप ज्यादातर पत्नी के साथ गुस्सा कर रहे हो, बच्चों के साथ गुस्सा कर रहे हो, छोटी छोटी बात में किसी के साथ गुस्सा कर रहे हो। हाँ, आपको आ रहा है गुस्सा, मैं कह रहा हूं कि ठीक है, आत्मिक बातों पर अगर गुस्सा आ रहा है वो बात अलग है कि प्रार्थना करने के लिए आप बोल रहे हैं, आपकी पत्नी आपके बच्चे प्रार्थना नहीं कर रहे, लेकिन आप गुस्सा आ रहा है, लेकिन वो एक आत्मिक बातें हैं। लेकिन अगर आपको बार बार, एक मैं कह रहा हूं कि अगर आपको एक सांस में, पहले जब मैं प्रभु में नहीं था, एक सांस में मैं 500 गालियां देता था लोगों को, 50-50 गालियां देता था। लेकिन जब मेरे साथ ऐसे लोग जुड़ कि मैं वो जब मुझे टोकते थे बार बार, जब मैं गाली देता था, तो उसी समय वो बोलते थे क्या कर रहा है यार। मैं कह रहा हूं उसी समय हमें आदत पड़ गई। मैं कह रहा हूं संगति का फर्क पड़ता है। इसलिए कह रहा है कि जब आप उपवास कर रहे हैं, हमारे साथ संगति कर रहे हैं, तो आज मैं कह रहा हूं कि नशे छूट जाएंगे, डिम, मैं कह रहा हूं गालियां देने की गंदी हैबिट्स बाहर जाएगी आज यीशु मसीह के नाम में। आप आजाद हो जाएंगे आज से यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है ऐसी प्रार्थनाएं ऊपर जाती हैं जिसमें कह रहा है कि दोष नहीं है, चुगली नहीं है, बुराई नहीं है, पाप नहीं है। लेकिन आज बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं लेकिन शाम
शाम को भाई साहब टीवी पे बैठ जाएंगे और फिल्में देख रहे होंगे, आ बैल मुझे मारो, मारेगा ही आपको रात को। तो कह रहा कि इसलिए आपको समझना, कह रहा कि आप ऐसी ऐसी चीजें देखते हो, ऐसे ऐसे करते हो, इसका मतलब उपवास के दिन कह रहा कि आपको बिल्कुल फ्रेश हो जाना है, त्याग कर देना है उस चीजों का। उपवास का मतलब ये है कह रहा कि त्याग। तो यहां पर इसलिए उसने बताया कह रहा कि सुनो, तुम्हारे उपवास का फल ये है कह रहा, तुम एक दूसरे की चुगली करते हो, बुराई करते हो, गुस्से मारते हो, किसी के बारे में गलत सोचते हो, कह रहा इसलिए कह रहा कि तुम्हें कह रहा इसलिए तुम्हारी प्रार्थनाएं ऊपर नहीं जा रही थी। लेकिन आज अगर आप हाथ उठाकर कह रहे हैं परमेश्वर हमें माफ कर, हम आज से पवित्र आत्मा जी एक दूसरे की बुराई नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, ईर्ष्या नहीं करेंगे, कोई अपराध नहीं करेंगे, परमेश्वर तो हमारे अंदर शक्ति दे, और इसी समय परमेश्वर का आत्मा आज ही एक स्वर्गदूत भेजेगा और आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को लेकर ऊपर जाएगा और आपको आंसर देगा आदि यीशु मसीह के नाम में। जितने आमीन बोल रहे हैं वो आशीष पा रहे हैं आदि यीशु मसीह के नाम में। एक बहन मेरे पास आई अपॉइंटमेंट लेकर, वो बोल रही थी कि मेरा बच्चा कामयाब नहीं हो रहा और इसी समय हर साल कह रहे कि वो फ्लॉप हो जाता है। मैंने उसको बोला कि तू 40 डेज प्रेयर कर और सावधानी के साथ कर, और जैसे ही उसको बताया उसका बच्चा क्लास में नंबर वन आने लगा। मैं कह रहा हूँ कि उपवास के बाद हमारे चैनल पर प्रॉफेट ब्रजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री की वीडियोज देखने के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।